नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। सूरजपुर के सरहदी इलाका बिहारपुर से मध्य प्रदेश के जबलपुर और सूरजपुर वन विभाग टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बाघ और तेंदुए की खाल के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए खाल की कीमत लगभग 26 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि अभी भी 4 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। दरअसल सूरजपुर के वन विभाग को मुखबिर से यह सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर बाघ और चीते की खाल को बेचने के फिराक में है, जबकि मध्य प्रदेश के जबलपुर की टीम भी इन्हीं तस्करों को पकड़ने के लिए मध्य प्रदेश से सूरजपुर पहुंची थी। जानकारी मिलने के बाद दोनों टीमों ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए तस्करों के लिए जाल बिछाया और अपने कर्मचारी को ग्राहक बनाकर तस्करों के पास भेजा। इन दोनों के बीच 26 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। जब आरोपी खाल बेचने के लिए मौके पर पहुंचे तो दोनों टीमों ने घेराबंदी कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1 बाघ और 1 तेंदुए की खाल जब्त की। हालांकि इस दौरान मुख्य आरोपी सहित 4 आरोपी भागने में सफल रहे, जिनके तलाश में वन विभाग लगा हुआ है। मुख्य आरोपी के फरार होने की वजह से अभी तक वन विभाग को इसकी जानकारी नहीं हो पाई है कि आखिर इन तस्करों के पास बाघ और चीते की खाल कहाँ से आई। फिलहाल वन विभाग ने इन सभी 6 आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। वन विभाग में ऐसे कई तरह के मामले आते हैं जहां पर तस्कर जो हैं वो बड़ी मात्रा में तस्करी करते हैं। कई जगहों पर हाथियों के दांत भी तस्करी किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर हाथियों की मृत्यु की जो घटना सामने आती है उसमें भी कई ऐसे मामले होते हैं जिन्हें दबा दिया जाता है। हाल ही में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में कई सैकड़ों हाथी जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है, कभी करेंट के चपेट में आकर तो कभी किसी गड्ढे में गिरकर। लेकिन इन मामलों का सही तरीके से खुलासा नहीं हो पाता है। हम देश भर के कई अलग अलग हिस्सों में देखते हैं कि वन विभाग द्वारा या जंगली क्षेत्रों में जहां पर जंगली जानवर रहते हैं वहां पर इस तरह के शिकारी तस्करी के कार्य को अंजाम देते हैं। वहीं पर कई अधिकारियों के सम्मिलित होने की भी बात सामने आती है, पर अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं हो पाता है कि आखिर ये तस्कर वन क्षेत्रों में इस तरह से खुलेआम कैसे पहुँचते हैं और तस्करी की घटना को किस तरह से अंजाम देते हैं। और आगे हम देखेंगे कि किस तरह से इस मामले में कार्रवाई होती है। एक बार इस मामले में DFO ने क्या किया वो भी जान लेते हैं। मुखबिर से हमको सूचना मिली कि जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर कुछ तस्कर है और ग्रामीण बाघ और तेंदुए की खाल का सौदा करने वाले हैं, तो हम लोग दबिश देकर मुखबिर लगाकर उनको पकड़े। बाघ की खाल को हम लोग जो छत्तीसगढ़ की जो सीमा है अंबिकापुर में पकड़े और तेंदुआ की खाल को छतरंग जो हमारे कुदरगढ़ एरिया उसमें पकड़े। और इसकी जो अनुमानित कीमत है बाकी लगभग 26 लाख रुपये से सौदा हुआ था और इस प्रकार से उनको प्रलोभन देकर उनको पकड़ के कार्रवाई किए और उसमें 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और 6 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ऐसे एक बाघ की खाल है, एक तेंदुए की खाल है, कुल 2 खाल है। उन लोग इसमें तो मुख्य आरोपी फरार है जो बाघ की खाल के लिए उनके द्वारा केवल तो बाघ की खाल के सौदा करने का था, उनको दूसरे ने उनको सौदा करने के लिए दिया था। अभी तक 6 बाघ में 3 आरोपी गिरफ्तार हैं और तेंदुआ के लिए बाकी दोनों में 2-2 आरोपी और फरार हैं, उनकी खोजबीन जारी है। जी सही है, इसमें हमारे वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो जबलपुर की टीम, मध्य प्रदेश वन मंडल की टीम, इसमें सिघरौनी वन मंडल है और हमारे छत्तीसगढ़ से हमारे सूरजपुर वन मंडल की टीम थे, तीनों के संयुक्त कार्रवाई से यह घटना को अंजाम दिया गया। और इस प्रकार पूरे जगहों पर जो है जांच किया जा रहा है, उन आरोपियों को जो फरार आरोपी है, मुख्य सरगना है, उनकी खोज की जा रही है। तब तक के लिए बने रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।